हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी तीरे वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने जो कपड़ा है वो दिखा दें कि ये किस तरीके का कपड़ा है, डिजाइन का कपड़ा है, तो इसको कैसे निकालेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके का कपड़ा है। ये जैसे आप पीछे का करना चाहें तो इसको पीछे का हुक का भी बना सकते हैं और इसको आगे का भी बना सकते हैं। तो ये दोनों पल्लर वैसे बराबर हैं, इसमें भी उतना ही गला बना हुआ है और इसमें भी उतना ही गला बना हुआ है, तो आप इसको आगे या पीछे कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये साड़ी में निकला है इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे बाजू बनी हुई है, ये बाजू है इस तरीके से। तो अब देखिए, हमें क्या करना है, अस्तर की कटिंग करनी है पहले। तो मैंने इसके लिए अस्तर लिया है, वो ब्लाउज का जो पीस होता है वो लिया है। नेट का कपड़ा है तो ब्लाउज का पीस अच्छा रहेगा। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम डबल करके रखेंगे पहले कपड़े को। ये कपड़ा हमारा डबल है, ये डबल है। अब ब्लाउज का नाप ले लेंगे, ब्लाउज का नाप लेना है, ब्लाउज को अच्छे से रखना है। अब यहाँ से हम इंची टेप से नाप लेंगे। अब देखिए, इसकी जो चेस्ट है वो 19 है, इस तरीके से 19 आ रही है। और लंबाई लंबाई है वो है 14 इंच की लंबाई है, 19 चेस्ट। अब देखिए, यहाँ पे इसकी लंबाई है वो 14 इंच है। अब हम इसके तीरे का, ऊपर का जो तीरा है शोल्डर, उसका नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसके जो शोल्डर है वो है 12 इंच। तो अब देखिए, हमें क्या करना है, जैसे 19 चेस्ट है तो पहले तो हम यहाँ पे 19 पे निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे लेंगे 2 या 3 इंच सिलाई के लिए। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया है। अब इसके बाद हम इसको इस तरीके से डबल कर लेंगे लंबाई में। अब देखिए, पीछे का पल्लर हमारा 14 इंच का था तो हम यहाँ पे 15 इंच लेंगे, 1 इंच ज्यादा लेंगे सिलाई के लिए। अब ये पीछे का हो गया और यहाँ से चेस्ट हो गई हमारी, ये चेस्ट है हमारी और ये लंबाई है। अब इसको देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करने के बाद अब यहाँ पे लेंगे हम 1.5 इंच सिलाई के लिए। आगे का पल्ला 1.5 इंच ज्यादा लिया है सिलाई के लिए। अब हम यहाँ पे लेंगे शोल्डर का नाप। तो जैसे हमारे 12 इंच के शोल्डर थे तो 6 इंच लेंगे, ये 6 इंच हो गए शोल्डर। अब 6 इंच लेंगे आरुमल। अब यहाँ पे हम गोलाई का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे पहले आरुमल की कटिंग करेंगे। अब पीछे का हटा देंगे, पीछे का अलग निकालेंगे, ये निकल गया। अब आगे का 1/2 इंच आरुमल हमें काटना है क्योंकि यहाँ पे झोलना है। अब यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। गले की लंबाई तो जैसे हमारी डिजाइन में उतना ही होगा, तो अभी मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का ही निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरे का निशान लगाएंगे हम 13 इंच पे इस तरीके से। अब इसको क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर की साइड लेंगे और इसको ऐसे गोलाई में ऐसे निशान लगा लेंगे। अब करेंगे पहले तीरे की कटिंग। अब यहां पे लगाएंगे प्लेट का निशान, तो 10 इंच पे लगाएंगे प्लेट का निशान।
अब नीचे प्लेट डालेंगे तो हम अपना फिटिंग का कपड़ा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 9.5 इंच निकालेंगे कपड़ा अपना फिटिंग का, जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो 9.5 इंच का है। अब 9.5 इंच का आधा करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे 4.25 इंच इस तरीके से। अब यहाँ पे हम गहराई में प्लेट डालेंगे और इसके बाद यहाँ पे लगा लेंगे इसके बराबर, ये हमारी गले वाली प्लेट है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम 2 इंच ऊपर ऐसे। अब आरोमल की प्लेट देखिए हमारी यहाँ पे आएगी, इसको तो हमें ऐसे ही डालना है। अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो ये देखिए बेकार हो रही है और यहीं पे डालनी है, और यहाँ पे डालेंगे तो ये पीछे की साइड जा रही है, तो यहाँ पे हमें बीच में डालनी है। तो अब इसके बाद जो हमारा डिजाइन का कपड़ा है उसी उसके ऊपर इसको रखेंगे, बाद में हम गले की कटिंग करेंगे। अब देखिए पीछे का जो पल्लर है, वैसे दोनों पल्लर बराबर हैं तो ऐसे निकालना है। यहाँ पे रखेंगे हम अपना पीछे का। अब देखिए पीछे का आ गया। अब इसका जो गला है तो इसकी गले की चौड़ाई ज्यादा है, जो डिजाइन का कपड़ा है उसके गले की चौड़ाई ज्यादा है। यहाँ पे हम रखेंगे 2.5 इंच क्योंकि ज्यादा चौड़ाई नहीं रखेंगे गले की, और इसी के बराबर हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। हम अस्तर के ऊपर इसको रखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा मैंने साड़ी का जो कपड़ा है वो बड़ा ही रखा है, क्योंकि जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो ये पूरा यहाँ से हमें लेना है, और चौड़ाई का ध्यान रखना है, हमें ज्यादा चौड़ाई नहीं करनी है, फिर कंधे उतरेंगे। तो ये पीछे का हो गया। अब आगे का पल्ला, इसको बराबर करके रखना है। अगर आप इसको तीरा वाला नहीं बनाना चाहें, टक्स एक टक्स डाल के ही बनाना चाहें तो एक टक्स डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन इसको मैं तीरा वाला बना रही हूं क्योंकि तीरे वाले की अच्छी फिटिंग आती है। इसको नीचे तीरा है, इसको यहाँ पर रख लेंगे तीरे पे। साड़ी का कपड़ा थोड़ा सा बड़ा ही काटेंगे। अब यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई 2.5 इंच की लेनी है और गले की लंबाई 6 इंच लेंगे। अगर आप ज्यादा लंबाई रखना चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं, और इसको गोलाई में कटिंग करना है। अब देखिए अस्तर और साड़ी का कपड़ा कट गया है, और यहाँ पे कैंची के कट लगा लेंगे। इससे क्या है कि हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे इसी के बराबर। अब देखिए ये हमारे आगे के पल्लर है। अब यहाँ पे पहले सिलाई लगा लेंगे। अब बाजू निकालेंगे, ये देखिए बाजू की जो डिजाइन है तो एक एक करके हमें निकालना है, क्योंकि ये डिजाइन अलग अलग है तो ऐसे करके रखना है।
और ये कटिंग का निशान तो बना हुआ है, इसी के बराबर हमें कटिंग करनी है। एक बाजू हो गई, अब दूसरी बाजू। तो जैसी डिजाइन है उसी तरीके से हमें कटिंग करनी है। बस हमें इसमें गुंजाइश रखनी है, गुंजाइश का ध्यान रखना है। अब देखिए हमारी बाजू आ गई और इसकी चौड़ाई भी काफी है। देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच है। तो आशा करती हूँ आपके अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए ये कटिंग है, उसी तरीके से मैंने ये कटिंग कर ली है। तो जब भी आप ऐसे ब्लाउज बनाएंगे तो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरीके से आपको निकालना है। और ये हमारा आगे का पल्लर है। और ये तीरे हैं, नीचे के तीरा। और इसको ऐसे रखना है और इसके ऊपर रखेंगे अस्तर। ऐसे करके अब यहाँ पे पीछे का पल्लर है। अभी हमारा पीछे का पल्लर है और इसकी स्टिचिंग आप हमारे चैनल में देख लें। ये वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है इंडियन टेलरिंग, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऊपर आएगा वीडियो लिख के, आप उस पर क्लिक कीजिए तो हमारा पूरा चैनल आ जाएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।